तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक नई अपडेट बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी के अंदर आपको फाइल मैनेजर मिलता है जो कि सैमसंग की तरफ से डिफॉल्ट ही होता है दोस्तों। उसके अंदर एक नया अपडेट आया, नए अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ और क्या के लिए अपडेट जरूरी है सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो करना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ फाइल मैनेजर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जहाँ चले जा रहे हैं आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर पे, गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद अपडेट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा फाइल मैनेजर के अंदर। सैमसंग फाइल मैनेजर्स के अंदर ये आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा। अभी यहाँ पर कुछ नया चेंजेस नहीं लिखा हुआ, बट इसके अंदर आपको नए नए चेंजेस मिल सकते हैं और ये अपडेट को रोल आउट किया गया है 26 फरवरी 2024 को। अभी रिसेंटली रोल आउट किया गया है। इसका जो अपडेट साइज है 18.17.8 का है और इसका वर्जन नंबर है 15.03.25। अब इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए, पहले तो कर लेते हैं अपडेट। दोस्तों अपडेट में क्या किया गया है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। अगर आप इसमें कोई डेटा को कॉपी या मूव करते थे तो उसमें कुछ ऐप क्रैशिंग के इश्यूज आ रहे थे या कुछ और भी अलग तरीके से कुछ इश्यूज थे, उसको यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया गया है या उसको यहाँ पर इन्हांस कर दिया गया है ताकि आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकें और कुछ छोटे मोटे इन्हांस फीचर एड ऑन किए गए। और जब भी कोई अपडेट आता है अपडेट में सिक्योरिटी को भी अपडेट किया जाता है। फाइल मैनेजर है, डेटा भी एक्सेस हो सकता है तो उसके लिए सिक्योरिटी अपडेट होना भी ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर ऐसा नया लेआउट मिल रहा होगा जो कि पहले भी ऐसे ही मिलता था, अभी कुछ नया चेंजेस थोड़े से आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे, बट ये अभी से ज़्यादा अच्छा चलने लगा है। अगर आप देखेंगे चला के, आपको यहाँ पर कैटेगरीज दे दिए, आपको अगर डायरेक्टली इमेजेस देखनी है तो इमेजेस देख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर इमेजेस के अंदर फोल्डर्स भी दिख जाएंगे बकायदा। ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहें तो वीडियोज़ देख सकते हैं, ऑडियो फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स एंड इंस्टॉलेशन फाइल सब आपको यहाँ पर इजीली दिख जाएगी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में बात करें तो मैं यहाँ पर आ गया इंटरनल स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज में आने के बाद लाइक मैं यहाँ आकर आ गया, लाइक ये फोल्डर्स हैं ठीक है। अब मैंने यहाँ पर यूँ करा और यहाँ से यूँ करा उसको। अब यूँ करने के बाद मैंने उसको यहाँ पर यूँ करके जैसे इसको मैंने यूँ मूव करा यहाँ पर ठीक है। मूव करने के बाद ये कॉपी मूव हो गए, बट क्या हो रहा था, ये तो इजीली हो गया बट पहले क्या हो रहा था, इससे पहले वाले अपडेट में इसमें कुछ ऐप क्रैशेज आ रहे थे और वो प्रॉब्लम दे रहा था तो उसको यहाँ पर रेक्टिफाइड कर दिया गया है और कोई भी जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी उसको भी यहाँ पर रेक्टिफिकेशन कर दिया गया। अब आप इजीली यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर पाएंगे और अगर आप देख सकते हैं इसको आपको ऐसा नॉर्मल तरीके से आपको ये दिख रहा है। अब सिंपल सी बात करें, यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज मिल रहा है, यहाँ पर एसडी कार्ड डाल सकते हैं, नीचे आपको रिसाइकल मिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो भी आप माई फाइल के थ्रू डाउनलोड करेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके नीचे मिलेगा आपको मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन जो कि बहुत शानदार है। यह पूरा कैलकुलेशन करके बता देगा कि आपकी डेटा कहाँ कहाँ ज़्यादा खा रहा है और आपको क्या क्या डिलीट कर देना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता देगा। इसके अलावा और सेटिंग्स करनी है तो 3 डॉट्स पर जाना है और यहाँ सेटिंग्स पर चले जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट्स बता रहा होगा, बट हम ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं तो वो एरर वहाँ से हटा देगा। और अपडेट मांग रहा है तो आपको फिर से अपडेट कर लेना है। नेटवर्क स्टोरेज का अपडेट मांग रहा है, पहले नॉर्मल अपडेट हुआ था अब नेटवर्क स्टोरेज का अपडेट मांग रहा है तो आपको उसको भी कर लेना है। यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, आपको अगर आपने कोई डिवाइस लिंक कर रखी है या बोल सकते हैं अपना क्लाउड स्पेस लिंक कर रखा है तो वो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। अलाउ मोबाइल डाटा यूजेस, एडिट मेनू लेआउट, आपको लेआउट में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं कि वो चीज़ दिखे ना दिखे, वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको परमिशंस मिल जाएंगी और ये सिंपल सा आपको नॉर्मल सा ही मतलब ये यूज़र फ्रेंडली है, बस इसका इसलिए अपडेट आया है कि जो भी छोटे मोटे बक्सेस होंगे उसको यहाँ पर एक्टिवेशन कर दिया गया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू।